अरसलान जी 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 प्लीज हेलो, अस्सलाम वालेकुम अरसलान जी शुरू करें। वालेकुम सलाम। सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं, बट शॉर्ट करके मैं बताती हूँ कि एक जंग चल रही है, वो है अल्लाह वर्सेस शैतान। ठीक है, लाइक सेल्फलेसनेस वर्सेस सेल्फिशनेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो अगर अल्लाह ने शैतान को बनाया, ठीक है, आग की मखलूक बनाई, अल्लाह पाक सिर्फ अगर अपने ताबे करते हैं, ठीक है, तो अल्लाह पाक ने शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह पाक तो सिर्फ अपने ताबे करने का कहते हैं। सेकंड थिंग कि सर, आप जो कह रहे हैं कि दीन के ऊपर जो है आप बंदा इस्लाम के रूल्स, अल्लाह पाक के रूल्स, रसूल के रूल्स के ऊपर जो है आप बंदे को परखें और उसकी जो है ना प्रोफाइल को जाने, ठीक है, अगर वो बंदा सामने से ये क्वेश्चन करता है कि जो है ना मुझे तुम्हारे पास से ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो क्या मुझे वहां पे झूठ बोल के अपनी अच्छाई दिखानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम कहता है, अल्लाह कहता है अपने पर्दों, अपने गुनाहों पे पर्दा रखो, या मुझे वहां पे सच बोल के, इवन भले फिर मेरी कुछ भी उसके आगे कैरेक्टर बन रही है वो बनाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं झूठ बोल के अपनी अच्छाई दिखा दूं, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। झूठ बोलने के लिए तो अल्लाह पाक ने मना किया है ना। तो ये दो मेरे क्वेश्चंस हैं। अपना इस टॉपिक से रिलेटेड पहले सवाल करें ना। ये जो पहला सवाल है ना आपका, कोई वीडियो है यस सर, मेरी। वो टॉपिक से थोड़ा अनरिलेटेड है, बट सेल्फिशनेस मैंने आपका से क्वेश्चन मुझे और निकल आया, रिलेटेड टॉपिक सेल्फिशनेस। इसमें मैं वीडियो वीडियो करता हूँ अलग से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर अस्सलाम वालेकुम। वो बाकी सेकंड क्वेश्चन ऑन द टॉपिक है, तो वो आप प्लीज। भी नहीं है, वो भी नहीं है ऑन द टॉपिक। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ रिलेटेड टू, अगर मैरिज में अगर ये आप चीज, बंदे को, आप ना बंदे को उसका कैरेक्टर याद रखिएगा। बंदे का कैरेक्टर बहुत विजिबल होता है, ठीक है, आदमी का बहुत विजिबल होता है। वो वक्त कहाँ लगाता है, पैसे कहाँ लगाता है, उसके मशाकल क्या हैं, उसके ये आपको सबको पता होता है इसका। बिल्कुल इसी तरीके से आपने नाउ दिस रिक्वायर्स टू डिफरेंट। मैं पब्लिक में ये बात आराम से बता दूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल और नजाकत वाली बात है। आपका और अल्लाह के बीच में जो भी गवाही का मामला है ना, जो आपको और अल्लाह को पता है, किसी की दुनिया में किसी बंदे का यह मामला नहीं। तो ये सिंपल सा असूल याद रखिएगा, ये इस्लाम इज नॉट क्रिश्चियनिटी, वी आर डोंट हैव कन्फेशन बॉक्सेस। ओके, सो इट्स अ प्रीटी सिंपल रूल। इसकी तफसील में मैं आपको वीडियो में करता हूं सेपरेटली। अगला क्वेश्चन राहत, आप पूछें। रिफत, रिजवाना, सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर, जी मैं रिफत बात कर रही हूँ सर। मैंने फर्स्ट टाइम आपका ही सेशन अटेंड कर रही हूँ। बहुत सी टर्म्स मेरे लिए डिफरेंट थे, मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर देखूंगी जरूर, लेकिन मेरे जहन में एक चीज ये आ रही है कि एक वेल इंडिपेंडेंट, इमोशनली वेल इंडिपेंडेंट खातून का करेक्टर अल्लाह के कानून के मुताबिक आपके ओपिनियन में कैसा होना चाहिए? और दूसरा एक चीज सर, आपने ये जो कहा, एक सांचे का वर्ड यूज किया, जत्थे का यूज किया, तो किसका इसका लफ्ज? बहुत जत्था जो है एक ग्रुप ग्रुप थिंकिंग या एक सांचा जिसके ऊपर एक परवरिश होती है औरत की, आप जैसे इस एक एक चीज से मतलब मैं एग्री करती हूँ। जैसे औरत है वो बींग अ मदर अकाई है, किसी भी माशरे की सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल यूनिट है, तो एक जब उसकी परवरिश उसी सोच के तहत होती है, एक सांचे के तहत, वही जैसे आपने कहा एक बाप के लिए अल्टीमेट गोल ये है कि उसकी शादी हो जाए, तो वो सांचे में ढल के चली गई आगे सर, और जब वो चली गई आगे, तो जिस जगह के लिए उसको बनाया ढाला गया वो वहां पे पहुंच गई। फिर आपको जब इस चीज की अवेयरनेस हो, शऊर हो, तो फिर आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब किस तरह से आप जैसे एक बने हैं इतने अरसे में, एक तो एक स्टार्ट तो करना है कहीं से, जिसके लिए आपके सराउंडिंग्स में सोसाइटी में कोई स्पेस नहीं है, कोई इजाजत नहीं दी जाती, तो इसमें सर आप कैसे इस चीज को बताएंगे, डिफाइन करेंगे, हेल्प करेंगे कि इसको कैसे स्टार्ट करें? अपने आप से स्टार्ट करेंगे, पहले खुद रुक जाएंगे कि ये काम दोबारा नहीं होगा। जो मेरे थ्रू, मेरे वालदैन का सारा सिलसिला मेरे थ्रू आगे नहीं चलेगा, जो कि जो भी
गलत बातें, जो सही बातें हैं वो एनफोर्स करेंगे, मगर अपने आप के अलावा किसी और को नहीं कह सकते। यू आर, जैसे ही आपने एक्सपेक्टेशन लोगों पे लगा दी कि सही वो लोग करेंगे तब मैं करूंगा या फिर मुझे कोई बहाना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस तो बहुत आगे की चिड़िया है। यू नीड टू स्टार्ट द बिग फाइट विद योर सेल्फ, और आपको खुद ही पता चल जाएगा जैसे ही आपने पहला दिन गुजारना है, सुबह उठने हैं कि मैंने आज जत्थे के खिलाफ जाना है, क्योंकि आपको पता होगा निशानियां क्या है जो मैं नहीं हूं, आपको अपना आप ऐसे विजिबल शीशे में नजर आएगा ऐसे, तब आपको लोगों को उल्टी आती शीशे देख के, मैं जानता हूं लोगों को कि ये मैं हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कर क्या रहा हूं, मैं इसलिए आया था दुनिया में, ये करतूत रह गए मेरे, मैं इतना गिर गया हूं। ये अपने आप से करना पड़ेगा आपको मुआहिदा, ये मुआहिदा है पूरा। बिकॉज सर, तो जैसे अब एक अल्लाह के कानून के मुताबिक, जैसे हमारे यहाँ एक जैसे कहा कि अल्टीमेट गोल शादी के बाद यूं है, तो फिर हस्बैंड का मतलब रोल जो है उसकी जगह वो किस हद तक मतलब हम जा सकते हैं, किस हद तक हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किस हद तक हम डिसएग्री कर सकते हैं बच्चों की परवरिश के मामले में और बहुत सी चीजों के मुतालिक, एक औरत कितना इंडिपेंडेंट हो सकती है? औरत देखें, याद रखिएगा किसी की बीवी होना डिपेंडेंट नहीं होता, ना ही किसी का शौहर होना इंडिपेंडेंट करता आपको। आपने जो अल्लाह ताला ने आपको बाउंड्रीज दे दी हैं, वही बाउंड्रीज अल्लाह ताला ने आदमी को भी दी हुई है, याद रखना। मैं फिर बताता हूं, आप आदमी को उसी तरीके से टेस्ट करेंगे अल्लाह के उसूलों पर जिस तरह आदमी औरत को टेस्ट करता है। मैं इस बात पर इतना गुस्से हूं ना औरत जात पे कि औरत ने आदमी को अल्लाह के उसूलों में टेस्ट करना बंद कर दिया कि भाई तनकीद भी नहीं करूंगी, अपनी मर्जी की चीजों के ऊपर तनकीद जरूर चल रही होती है, मगर एक बंदे के कैरेक्टर को बरमला क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा कि भाई तू वीक हो गया है, तू अपने बॉस का गुलाम हो गया है, या फिर तू इस जगह के ऊपर अल्लाह की बजाय किसी और को सजदा कर रहा है। बिल्कुल सर, मतलब इस बारे में खुदा की कसम आपको एज अ मैन बता रहा हूं मैं कि अगर मेरी बीवी मुझे कहते ना कि छोड़ किसी को सजदा करना, सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं, आपको मैं बता नहीं सकता आदमी के आगे उस औरत की इज्जत कहां से कहां पहुंच जाती है, वो सपोर्ट बन जाती है ना आपकी। जी बिल्कुल, अगर औरतें डिमांड करें कि हर एक को सजदा कर, बस किस तरीके से पैसे लेके आ या मेरा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर, और वो उस पर नहीं करता, फाइनेंशियली वीक आदमी की कोई इज्जत ही नहीं करती औरत, और मॉरली वीक आदमी की खैर ब्लैकमेल होती हूं, ये कोई बात है? आपसे ज्यादा डिसग्रेसफुल कोई क्रिएचर हो सकता है कि एक मॉरली वीक आदमी की आपने स्टेटस को मेंटेन किया और फाइनेंशियली वीक आदमी चाहे मॉरली करेक्ट भी क्यों ना उसकी कोई इज्जत ही नहीं। दिस इज अ डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज ऑफ दिस प्लेनेट, दिस इज अ डिजीज ऑफ योर ग्रेव एंड दिस इज अ डिजीज ऑफ आखिरा। जी सर, जी नेक्स्ट क्वेश्चन लें सर। नोवेरा या नोवेरा, नोमाना, नूरी? यस, दिस इज नोमाना। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ओके सर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अभी आ रही आवाज आपको सबको? जी नोमाना, आप बात करनी थी मेरे से। जी सलाम अलैकुम। सलाम, यस ओके सर साहब, मेरे क्वेश्चन है कि आप बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इमोशन की औरत के लिए, राइट? उसके लिए सबसे पहले तो एम्पावरमेंट की जरूरत है, ठीक है? कि उसकी उसकी एम्पावरमेंट कहाँ पे, ये जुमला जो है ना, ये जुमला यहाँ से वीकनेस स्टार्ट हो गई। और समझे, किससे पावर मांग रही हैं आप? सोसाइटी से, जो रिलेशंस हैं, जो घर में जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, फिजिकली डिपेंडेंट हैं, प्रैक्टिकली डिपेंडेंट हैं। जब तक आप बच्ची हैं ना, तो अपने बाप से एम्पावरमेंट चाहिए आपको, ठीक है? राइट। आप बालिग हो गई हैं ना,
तो फिर आप एम्पावर अपने आप को करेंगी जरूर। जाहिर है मुझे पता है हम कल्चरली ट्रेन नहीं है, तो आप 13 साल में बेशक ना लें, मगर आप 17-18 में भी नहीं ले रही तो फिर प्लीज कोई भी नहीं देगा आपको। नो वन इज गोइंग टू गिव इट टू यू। आदमी को कौन देता है? आप क्या समझ रही है? मुझे मेरे बाप ने पावर प्लेट में पेश की थी। दुनिया में किसी भी आदमी को प्लेट में नहीं पेश होती, खुद लेता है वो। कैसे? रिस्क लेता है वो, डिसीजन के रिस्क लेता है। ऐसे ऐसे डिसीजन करने पड़ते हैं ना, एक आदमी को मजाक उड़वाता है अपना, खूनो खून होके घर आता है, गलत डिसीजन लेके आता है। आई स्वेयर फिजिकली भी खूनो खून होके आता है, मगर रिस्क लेते हैं हम। ओके, कैन आई कंटिन्यू माय क्वेश्चन प्लीज? ओके, कैन आई कंटिन्यू माय क्वेश्चन एक्चुअली? या हेलो हेलो या प्लीज आई कैन हियर यू। मैं आपको नहीं सुन रही। आपको मैं सुन रहा हूँ। ओके जी, ओके मैं एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ और आपने कहा रिस्क लेता है। ओके, आई वांट टू डिस्क्लोज समथिंग, बिकॉज़ आई गॉट डिवोर्स मोर देन ट्वाइस, राइट? और उसका रीजन यही था कि मैंने एक बगावत की एक सोसाइटी से, एक जो सेटल्ड माइंडसेट था उससे, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर माय डिसीजंस। और मैंने उसके बाद अपने आप को एम्पावर किया। आई एम इंडिपेंडेंट सिंगल मदर और मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरी सोसाइटी को बहुत इश्यू है। आई एम आउटसाइड द कंट्री। Let me pause you there. आपका क्वेश्चन कंटिन्यू ही रखेंगे हम। आप इंडिपेंडेंट सिंगल मदर हैं, इसका इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? यस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यस, नाउ लिसन, आर यू इमोशनली इंडिपेंडेंट और नॉट? यस, समहाउ यस, ऑलमोस्ट 80% यू कैन से। द लिम्बिक ब्रेन, सुन ले, लिम्बिक ब्रेन, आई कैन एनालाइज माय सेल्फ। लिसन, ओके, I need you to listen. Limbic brain does not do percentages. Either okay. It's there or it's not. Either it's 100% or it's 0%. Okay, sure. Okay. Got it. That's the limbic brain's functionality. Emotions kabhi percentage mein nahi hote. Ya hote hain ya nahi hote. Now, I cannot say ki, achha, main ek khas bande ke aage main emotionally dependent hoon, baaki puri duniya ke aage main independent hoon. Nahi, wo ek banda hi bata raha hai ki main emotionally independent nahi hoon. True. So, got you it. Need to find out. Do your own catharsis. मैंने 2-3 टेस्ट आपको भेजे हैं, आप सबने वो टेस्ट करने हैं प्लीज। ओके, 15-20 बंदों का सैंपल लेंगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिक्र ही ना करें। जी, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो माय क्वेश्चन ये है कि मैं गॉन थ्रू फ्रॉम सो मेनी सर्कमस्टांसेस, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही, राइट? मैं इमोशनली इंडिपेंडेंसी को डिस्क्लोज कर रही हूँ कि उसके बेसिक्स फैक्टर्स क्या होने चाहिए, हम बेसिक सेट कहाँ करेंगे, हम उसको वेट कैसे करेंगे, हम उसको मैयर कैसे करेंगे, हम वहाँ पे कब पहुँचेंगे, हमारा लास्ट अचीवमेंट क्या है, उसको कहाँ टच करके हम कह सकते हैं कि हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। क्या हम उसके लिए बागी होना जरूरी है? क्या उसके लिए घर वालों को के सामने अगेंस्ट होके खड़ा होना जरूरी है और okay, अपने ऊपर कोई भी समझ गया। बहुत अच्छा सवाल है कि व्हेन डू वी अचीव इट। आई विल टेल यू ऑनेस्ट, द वे दिस प्लेनेट इज डिजाइंड, यू आर नेवर गोइंग टू अचीव इट, बट यू आर गोइंग टू कम टू द लेवल ऑफ अचीवमेंट एवरी सिंगल डे, एंड द नेक्स्ट डे इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, एंड देन यू विल रीबिल्ड योरसेल्फ अगेन। डोंट, वो किसी मंत्र में ना आ जाना, किसी जादू मंत्र में कि हाँ मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गया। नो, इमोशनल डिस्ट्रॉट इज पार्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ द प्लेनेट। आप हमेशा किसी ना किसी ऐसे वाक्य में होंगे जिसमें वजह से आपको वो क्रश करेगा, उसके बाद आप दोबारा से अपना तज़किया करके फिर उठेंगे। फरिश्ते और इंसान में फर्क ही होता है, याद रखिएगा कि इंसान के अंदर गिर के उठने की एबिलिटी होती है, फरिश्ते के अंदर गिरने की इनएबिलिटी होती है, इसलिए हम अफजल हैं। ओके, जो बंदा गिर ही नहीं सकता उसने क्या उठना है? So I am telling you, you are not, don't think कि ये कोई एक डिग्री है जो मास्टर्स कर लिया आपने। बहुत फायदा होगा प्रैक्टिस से, आपको हजार चीजें तंग नहीं करेंगी, इंडिपेंडेंट ही होंगी लोगों के लिए, मगर अपने तस्वीर से आपको पता चलेगा मैं कुछ जगहों में भी वनरेबल हूं। फिर अगला नया दिन, नया वाक्य, अनप्रेसिडेंटेड अनफोर्सीन इवेंट आपको बताएगा कि अभी भी फिर भी आप कुछ जगहों पर डिपेंडेंट, अपनी वीकनेस नजर आना शुरू होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदमे की पहली खबर पे सब्र है। ये सबर तो तभी होता है जब पहला शॉक लगता है आपको, उसमें अगर आपने अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंसी ना की और लोगों पर डिपेंडेंट हो गए कि हाय मेरे साथ ये क्या कर दे, मुझे कुछ ये कर दो, प्लीज ये कर दो, अगर आपने उस वक्त अल्लाह को ना याद किया तो आप में कोई सबर नहीं है। 3-4 दिन बाद तो मरे हुए बच्चे पे भी मां साबिर हो जाती, बाद में नहीं सबर होते, बाद में तो हजार तजकी होते।
असल में बंदा रेडी तब है जब वो शॉक में एंटर होता है, उसी वक्त वो कहता है मैं किसी की जरूरत मुझे मेरा लाइफ का, दैट्स द पीक। इस पीक तक पहुंचाना है आपने अपने आप को बस, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक फियर या शॉक ही आपको टेस्ट करता है ना। तो ये मैं आपको एक बेसिक लिटमस टेस्ट इंस्ट्रूमेंट दिया, बैरोमीटर, ठीक है। दूसरा आपने जो लास्ट में क्या बात की, एक तो ये था कि आपने कहा कि यस ओके या आई अनम्यूट नाउ। मैंने आपसे पूछा था कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे, हम उसका वेट कैसे करेंगे, हमारा रेशियो क्या होगा कि वी अचीव द टारगेट। ये आपने मुझे रिप्लाई कर दिया, राइट, तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। जी हां, आपको नहीं होगा कि आप 100% और मैंने जी मैंने आपसे ये पूछा था कि उसके हम लोग क्या करेंगे, क्या फेस करेंगे, हमें बागी होना है। गुड क्वेश्चन। देखिए बागी वो होता है जो अल्लाह के किताबों में बागी होता है, इंसानों की किताबों में हर तीसरा चौथा इंसान बागी है। अगर नहीं है तो बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने मेरी हर बात ही माननी है और चैलेंज नहीं करना तो ये आपका दिमागी बीमारी है आपकी। आपको चाहिए मेरी हर बात को चैलेंज करें कि अल्लाह के सुलों से साबित करके बता भाई, इंसान इंसान के ताबे होने के लिए नहीं आया दुनिया में। इंसान अल्लाह ताला अपने गुलाम बनाता है, अल्लाह ताला इंसानों के गुलाम नहीं बनाता। और कई जाल अल्लाह ताला कुरान पाक में कि किसी और के ना ताबे हो जाना, सिर्फ अल्लाह के ताबे होना, अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल, बस। और कोई इंसान इस काबिल नहीं कि आप उसके ताबे हो सके। अब आप कहती हैं कि बागी, हाँ पहली बात तो ये है कि अल्लाह की बागी नहीं होना। और अगर दुनिया का मामला ऐसा शुरू हो गया कि अल्लाह का बागी ना हो तो हर एक का बागी हो जाऊंगा, कॉमन सेंस, कोई अल्लाह का रसूल मानता नहीं है तो फिर तो बागी होना मेरे नबी की सुन्नत है। सबसे पहले तो मेरे नबी ने बगावत की थी इन लोगों के सामने, समझने की कोशिश करें। एक मुसलमान औरत अपने आप को मुसलमान कहे और बाद में कहे नहीं यार छह बुत रहने दो काबे के, 113 में तो छह रहने दो, बाकी मैं तोड़ दूंगी। वो बुत छह हो या एक हो, 6,000 हो, अगर बुद्ध की प्रेजेंस पे आप ओके हैं तो इस्लाम तो दाखिल ही नहीं हुआ आपके अंदर, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, ताकत का काम है अल्लाह की कसम, ताकत का काम है, हिम्मत का काम है अल्लाह की कसम, हिम्मत का काम है, तकलीफ का काम है खुदा की कसम, तकलीफ का काम। कि शक में मत रहेगा, इमोशनल इंडिपेंडेंस आसान काम नहीं, मगर बीमारी का काम नहीं है। जो डिपेंडेंसी में तकलीफ है वो नहीं है, जो डिपेंडेंसी में शर्मसारी है वो नहीं है, जो डिपेंडेंसी में दर्द और रंज है वो नहीं, जो आखिरत के अंदर नाकामी और शर्मिंदगी है वो नहीं। तकलीफ तो दोनों जगहों पे है, ये किसी शक में मत रहिएगा। कोई खुश नहीं है किसी के ताबे होके। सारे अस्पतालों में डिप्रेशन की पेशेंट पाई जाती हैं, जाके देख लें साइकाइट्रिस्ट के पास क्या मसले लेके आएंगे। शोरों के मसले चल रहे हैं उनके, अब बच्चों की खुदकुशियों के और ड्रग के मसले चल रहे हैं उनके। असूल जो आप जिस असूल के खिलाफ बगावत कर रही हैं वो देख लें किसके असूल हैं। अगर आदमी के हैं तो उठा के जमीन पर फेंकें, अल्लाह के हैं तो फिर जो मर्जी सामने आए बागी हूं। फिर तो मैं मोहम्मद का उम्मती हूं, सबसे पहले कबीलों के सरदारों के खिलाफ बगावत करनी पड़ती है, आम बंदे की तो कोई औकात नहीं। तायरा, तुम्हारा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे तीन सवाल हैं एक एक लाइन के। जी सर एक लाइन। सर एक तो ये कि कोडिपेंडेंसी को कैसे अनलर्न किया जा सकता है, मैंने वो ब्रोकन फैमिली में भी ये पैटर्न पढ़ा समझा और इसका मुझे ये लगता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस से भी ताल्लुक बनता है, मतलब मैंने ये आइडेंटिफाई किया अपना पैटर्न, इसको मैं कैसे अनलर्न कर सकती हूँ, क्या टिप्स हैं। दूसरा सवाल सर, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे किया जाए अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि इट्स रियली पुअर। और थर्ड वन इज कि सर गैड है, SSRIs और स्लीपिंग पिल्स सब चीजें इस्तेमाल करने के बावजूद अगर स्लीप डिस्टरबेंस है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कोई टिप आपकी तरफ से सर। बस याद रखिएगा SSRI असल में ना बाय द फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन असल में वो आपको सेकंड विंड उड़नी चाहिए उसे टेक्निकली। आप कोई दुनिया के साइकाइट्रिस्ट आके मुझसे लड़ाई करें साहिल मियां साइंस के खिलाफ बात कर दी आपने, SSRI से नींद उड़ जानी चाहिए। आप उड़ जाने का मतलब है खुश हो जाना चाहिए, मोटिवेट हो जाना चाहिए। मोटिवेटेड बंदा सोता है नहीं। सेरोटोनिन हाई करने से आप अपने आप को एंटी डिप्रेस तो कर सकते हैं मगर आप जो है वो स्लीपिंग पिल के तौर पर यूज करें, सॉरी दैट्स अ क्लासिकल मिस्टेक।
आपने नींद की दवाई लेनी है तो जेनेक्स ले ली, ठीक है, मगर SSRI से नींद उड़ जानी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो आपका था, नहीं सर, SSRI से नींद अगर उड़ती है तो मतलब ये नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सर वो साइकेट्रिस्ट तो SSRI जो है वो सेरोटोनिन हाई करने के लिए दे रहे हैं कि एंजाइटी बेहतर हो, और स्लीपिंग पिल इसलिए देते हैं कि जो स्लीप डिस्टरबेंस है, जो इंसोम्निया है उसके लिए, लेकिन फॉर मी बोथ आर नॉट वर्किंग, और मैंने वो फिर तकरीबन कोई 1.5-2 साल लेके उसको छोड़ दिया, बिकॉज मतलब आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स ना, तो अब मैं बागी हूँ इस साइकेट्री डिपार्टमेंट की। अच्छा, नहीं नहीं ऐसे बात तो मैं तो खिलाफ हूँ एंटी डिप्रेसेंट के, याद रखिएगा, आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द मूवमेंट, मैं बागी हूँ APA के खिलाफ। जी सर, जो मैपिंग करते हैं ना आप, एक बंदे के प्रोफाइल को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, आपको जिसने दो ड्रग दिए, एक डोपामिन एग्नेस्टिक ड्रग है और एक सेरोटोनिन एग्नेस्टिक ड्रग है, ये दोनों हैं जो आपने अभी मुझे बताई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों आप मैच ही नहीं कर सकती मैप के अंदर, नक्शे के अंदर, ये दोनों ड्रग्स असल में एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, या तो आप हाई मोटिवेशन में जाएं या आप स्लीप मोड में जाएं, ये दोनों इकट्ठे नहीं करेंगे आप। अब रही बात SSRI लेंगी तो फिर सारी उम्र आप उस सेरोटोनिन नेचुरल सर्ज को एंजॉय नहीं कर सकती आप, अब आप एडिक्ट हो गई हैं एक खास सेरोटोनिन रिसेप्शन की, आपको नहीं पता भी, मगर वो थोड़े अरसे में हो जाता बंदा, और अगर ना भी हो तो एटलीस्ट वो ऑर्गेनिक सेरोटोनिन का साइकिल तोड़ दिया हुआ आपने। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं बिकॉज इसमें ए टिपिकल और टिपिकल रिसेप्शन आती है, SSRI इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, द क्वेश्चन वेर द टू वास्ट इज आप असर नहीं हो रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं असर हो रहा, छोड़ें इसको साइड पे फेंकें, ये आपकी केमिस्ट्री को मैप नहीं किया गया ना, ये दवाइयां आपकी केमिस्ट्री से मैच करें। अब अगला पहला क्वेश्चन क्या था आपका? सर सर ये SSRI ने वाकई मुझे बिल्कुल कोई फायदा नहीं दिया, और मुझे लगता है मैंने अपने साथ ज्यादती की है ये 1.5-2 साल खाकर, तो लेकिन मसला ये है कि हस्बैंड स्टिल कन्विंसिंग मी कि यू मस्ट गो टू साइकेट्रिस्ट एंड यू नो ही इज अ डॉक्टर बाय हिज प्रोफेशन, तो वो बड़ा मानते हैं और मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे बताइए कि मैं अपनी नींद को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती हूँ? भागें दौड़ें, फिजिकल रूटीन, एक्सर्शन, एंडोर्फिन्स आउट करें। या सर ये सब मैं कर चुकी हूँ, मैंने 10,000 steps भी किए हैं लाइक 6 months कंटिन्यूस, आई लव टू वॉक बट स्टिल सारा घर का काम। आप पहली बात तो ये खवातीन को मैं बता दूं, वॉकिंग से निकलें, खुदा का वास्ता वॉकिंग से निकल आए और रनिंग में आ जाएं, दोनों टोटली डिफरेंट केमिस्ट्री है दोनों की, अपने आप को मत धोखा दें, कुछ नहीं होना वॉकिंग से, इसी 6-10 लेन कर रही है और सब की सब आपको पता कैसी। So, आपका मतलब है रनिंग, लेकिन कितनी देर के लिए आइडियली? देर नहीं होती रनिंग में, मेजर डिस्टेंस होता है, 1 मील से स्टार्ट, 2-3-4 मील तक जाएं, देखें कितना भाग, और कितनी देर, और कितनी देर डजंट मैटर कितनी देर, मैंने आपको डिस्टेंस बताया। ओके नोटेड सर, इसके अलावा एनीथिंग टू चेंज इन माय रूटीन्स फॉर स्लीप, एक्चुअली मुझे नेचुरल स्लीप इंड्यूस करना है और वो मुझे नहीं समझ आती कि हाउ टू, आई डोंट वांट, सुन लें सर इसका, सर इसका सर वो इसका सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है? या पूरी तरह। सर इसका जो नींद का प्रॉब्लम है, इसका मुझे ये लगता है एक ट्रिगर पॉइंट कोडिपेंडेंसी भी है, बिकॉज माय पैटर्न्स आर रियली स्पेशली हस्बैंड एंड या कोडिपेंडेंट। कोडिपेंडेंट ऑन व्हाट? लाइक आई एम कोडिपेंडेंट, यू नो मुझे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं हस्बैंड से, सो मुझे ये लगता है कि इसका कुछ लिंक ऐसे बनता है, इज दैट सो? वेल एक्सट्रीम केस पे अगर आप डर में रहती हैं कि अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा हर चीज का, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, तो फिर तो मसला है, फिर तो कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जो है ना वो एंटी स्लीप केमिकल है, जब कोर्टिसोल नसों में होता नींद नहीं आ सकती आपको। या इट्स काइंड ऑफ दैट, या चलने बाद फिर तो आप मुबर्रा हो जाए हर चीज के ऊपर, क्यों अप्रूवल ले रही हैं, उस बेचारे को भी तंग किया हुआ आपने। जी सर, तो बहरहाल स्लीप का केमिकल है मेलेटोनिन, याद रखना, मेलेटोनिन के 2-3 क्रूज कंट्रोल बटन है हमारे जिस हमारे रूटीन में। पहली बात तो आपने जैसे ही सूरज निकल आए आपने बिस्तर में नहीं पाया जाना, वरना मेलेटोनिन को आप परवर्जन में लेके जा रहे हैं, जैसे सूरज निकल रहा हो मतलब फजर, फजर से पहले उठना है फिर सोना नहीं, और जब जवाल शुरू हो जाए फिर सोना है, मगर
आधा घंटा बस, दोबारा नहीं सोना जब तक। ठीक है, मेलाटोनिन सन के साथ मैप हुआ है, याद रखना। बच्चा तहखाने में भी पैदा होता है ना, तो बच्चे को मेलाटोनिन पता होता है, दिमाग को पता होता है कि सूरज किधर है, इतना बड़ा बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर वो मसला ये है कि जब मैं नहीं सो पाती टाइमली, तो वो फिर जाहिर है मैं मतलब चार्ज के बाद ही सोती हूँ, और अगर मैं जागूं, जैसे आपने मुझे ये बताया कि इस तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करो, तो उसका रिजल्ट सर बॉडी एक्स में रहता है, बॉडी एक्स बहुत होती है फिर, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, बॉडी एक्स इज अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ पुटिंग योरसेल्फ टू फटीग। ओके,